हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों मेरे बल और मैं आज आप सबके सामने डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ सो so, आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और देखो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो बी एड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचा टू थाउजेंड ट्वेंटी के लिए साथ ही साथ दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी और देखो ऑनलाइन क्लासे शुरू हो गया फॉर बी एड एंट्रेस असम यूनिवर्सिटी सिलचा 2024 का इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली टू हंड्रेड रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यू पी आई यानी फोन पे जी पे या पे से नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री इस नंबर पे पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना मेरा व्हाट्सअप नंबर है नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर वन हो यार सो इसमें डब्ल्यू मतलब लिखते हैं मतलब गलत हो गया सो व्र वॉज़ इंडियाज़ फर्स्ट डोमेस्टिक जेनेथेरापी फॉर कैंसर लॉन्च सो कहाँ पे मतलब कह सकते हैं इंडिया का जो फर्स्ट डोमेस्टिक जेनेथेरापी फॉर कैंसर लॉन्च किया गया ऑप्शन ए आई आई टी बोम्बे ऑप्शन बी आई आई टी दिल्ली ऑप्शन सी आई आई टी खड़गपुर ऑप्शन डी आई आई टी वाराणसी सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी आई आई टी बम्बे ये याद रखना थोड़ा सा एक्सप्लेनिशन देख लेते सो इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सी ए आर टी सेल थेरापी हैज बीन डेवलप्ड इन कोलाबोरेशन किसके साथ मिलके कोलाबोरेशन करके डेवलप किया गया आईआईटी बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ये याद रखना क्वेश्चन नंबर टू हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द टाटा इंटरनेशनल टाटा इंटरनेशनल के कौन मतलब कह है सकते हैं न्यू एम डी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया ऑप्शन ए रविचंद्रन आनंद ऑप्शन बी महेश कुमार सिन्हा ऑप्शन सी राजीव सिंगल ऑप्शन डी Uh, देखिए अनंदन सो so, इसका जो राइट आंसर होगा बॉय ऑप्शन सी यानी राजीव सिंगल ये याद रखना क्वेश्चन नंबर थ्री हुइच बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाई डी आर डी ओ रिसेंटली सो कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल जो सक्सेसफुली टेस्ट किया गया डी आर डी ओ के द्वारा ऑप्शन ए अग्नि प्राइम ऑप्शन बी नाग ऑप्शन सी आतिशुल ऑप्शन डी प्रहार इसका जो राइट आंसर होगा बॉय ऑप्शन ए यानी अग्नि प्राइम सो so, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग अग्नि प्राइम इज टू स्टेज सरफेस टू सरफेस मिसाइल यह याद रखना सरफेस से सरफेस मिसाइल क्वेश्चन नंबर फोर कातिया वाइट हुइच वाज सॉरी हुइच हैज रिसेंटली बीन गिवेन जी आई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिलोंग तो टू हुई स्टेट ऑप्शन ए हरियाणा ऑप्शन बी पंजाब ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी राजस्थान सो so, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश जी आई ट्रेक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये मतलब कह सकते है जो फर्स्ट प्रोडक्ट इंडिया का मिला वो है दार्जिलिंग टी यही या याद रखना क्वेश्चन नंबर फाइव हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ द आसोचाम ऑप्शन ए आलोक रंजन ऑप्शन बी अभय कुमार सिंह ऑप्शन सी संजय नायर ऑप्शन डी प्रकाश कलरा सो so इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी संजय नायर ये याद रखना थोड़ा सा आसोचाम के बारे में हम लोग देख लेते हैं द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सो इट इज ए नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन ये याद रखना नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन जो एडवोकेसी करता है ग्रुप बेस्ड सो देखो ये एडवोकेसी मतलब कह सकती है ग्रुप बेस्ड के सो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है न्यू दिल्ली इंडिया ये याद रखना द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री पे सॉरी uh, इंडिया पे एंड एक्ट एज एड एज एन इंटरफेस बिटवीन इशूस एंड इनिशियेटिव जो इशू होता है या इनिशियेटिव का इसका मतलब कह सकते हैं इंटरफेस ये uh, प्ले करते ये रोल द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोमोट बहुत डोमेस्टिक साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिड्यूस ट्रेड बेरियर जो ट्रेड बैरियर रहता है उसको रिड्यूस करना वाइल फोस्टेरिंग कंडीसिव एनवामेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ़ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ये याद रखना इसका फॉर्मेशन कब हुआ था नाइनटीन ट्वेंटी सो करेंट प्रेसिडेंट इज अजय सिंह ये भी याद रखना क्वेश्चन नंबर सिक्स नाथुला इज ए माउंटेन पास लोकेटेड इन स्टेट और यूटी नाथुला जो माउंटेन पास वो कौन से स्टेट या यूटी पे इसका लोकेशन है सिक्किम असम जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी सिक्किम So, थोड़ा सो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग नथुला इज ए माउंटेन पास इन डोंकिया रेंज ऑफ द हिमालयस बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया स्टेट सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल सो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो थैंक यू